ललित हुई। शाजिया जी देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के शासन में एनकाउंटर सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं, फर्जी एनकाउंटर, जिसकी बात भूपेश बघेल कहते हुए नजर आए। स्टूडियो आउट कर दीजिए, सिर्फ शाजिया जी को ऑन एयर जाएगा ऑडियो। अरे ये तो वो पार्टी है, ये तो वो पार्टी जिसने बटला हाउस एनकाउंटर को भी फर्जी बताया था, जो इंस्पेक्टर एमसी शर्मा की मौत हुई है उसको भी आरे में भी कहा था। ये तो वो पार्टी है, आप इनकी क्या बात कर रही हैं, इनके असलियत तो सब जानते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूंगी आपको, जो भाई साहब राजनीतिक विश्लेषक बन के जो बैठे हैं वहाँ पे, उनको इसमें भी सियासत नजर आ रही है। वो अभी भी देख रहे हैं कि नीतीश का क्या हो रहा है। सोचिए 29 लोग मरे हैं, कितनी बार नक्सलियों ने मारा है, लेकिन ये उनको चिंता नहीं होने। कांग्रेस को डिफेंड इतना करना है राजनीतिक विश्लेषक बन के कि उनको फिक्र ही नहीं है क्या नक्सली कर रहे हैं वहां पे। और ये वही बात है जो बीबीसी लिखती है, एक सब जानते हैं कि वो जब माओवादी को टारगेट किया जाता है तो वो झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं कि आदिवासी को टारगेट किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसको यकीन नहीं है किसी भी तरह से अपने देश की सेना में, अपने देश की सुरक्षा की प्रणाली में, अपने ही देश के बीएसएफ में, अपने ही देश के जवानों में इन्हें विश्वास है, वही वामपंथियों में विश्वास है, नक्सलियों में। और आखिर में मैं कहना चाहूंगी कर्नल साहब के लिए, कर्नल साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको, आप इतने आहत हुए। नहीं खत्म करने दीजिए मेरी बात को। मुझे, मैं कर्नल साहब से कहूंगी, मैं बहुत ही आहत हुई, बहुत अफसोस हुआ कि आपको ये कहना पड़ा, और मेरी संवेदना पूरी तरह से आपके साथ है। हमारा कोई हक नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है, आप लोगों के प्रति हम बहुत ही कृतज्ञ हैं। जिस तरह से बदतहजीबी आप देख रहे हैं, बावजूद इसके कि आप उस संस्थान से हैं, आर्मी से हैं, जो हमको महफूज रखती है, मुझे लगता है मैं हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। जिस तरह से कुछ लोगों ने अभी अभी आपके साथ व्यवहार किया है, मजबूर किया है कि आपको रक्त दिखाना पड़े अपना, ठीक है, तो मैं बहुत ही, मुझे अफसोस हुआ इस बात का। कर्नल शैलेंद्र, शादिया जी जो कह रही है उस पर आप रिएक्ट करिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, बल्कि भूपेश बघेल ने ये बात यहाँ पर कही थी और थोड़ी देर पहले यहाँ से भी ये बात उठी थी कि फर्जी एनकाउंटर जो है वो सबसे ज्यादा बड़े हैं भाजपा के राज में। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कैसे इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, खासतौर पर अगर हम इस तरह के एरियाज की यहाँ पर बात करें तो। अगर आप फर्जी एनकाउंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये वर्ल्ड के डाटा में कैसे आ गया कि 77% नक्सलाइट कम हुआ है रिलेटेड, सबसे बड़ी बात। प्रेम कुमार जी से मैं एग्री कर सकता था कि यस, किसी के साथ जाती हो गई, उन्हें 6 साल बाद छोड़ा, 27 साल बाद भी छोड़ा गया है कुछ लोगों को, बाय द वे आपको वो ही बता दूं। लेकिन वो जो हथियार दिख रहे हैं जिसमें 3 LMG दिख रही हैं, या तो किसी ने प्लांट करी है, अब यही रह गया है। अब सेना का या बीएसएफ का हम इतनी इंसल्ट करना पसंद करेंगे कि वो अपनी LMG लाकर वहां रख दे रहे हैं और 29 लोगों को मार दे रहे हैं। देखिए, गलतियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप इस तरह की बात करते हैं कि नहीं फर्जी एनकाउंटर है। आप किसके ऊपर सवाल कर रहे हैं? बीजेपी का फर्जी एनकाउंटर है? कांग्रेस का फर्जी एनकाउंटर है? आम आदमी पार्टी का? नहीं, वो एनकाउंटर करने वाली जो फौज है, वो स्पेशल फोर्स है। सोचिए वो जो इंस्पेक्टर है, उनका जो इंचार्ज था, 8 गैलेंट्री अवार्ड ले चुका है, 21 एनकाउंटर्स कर चुका है लीड, इस बार वो ही लीड कर रहा था। देखिए, पॉलिटिक्स जरूर करनी चाहिए, लेकिन जब आप, मेरा एक्चुअली ऑब्जेक्शन सिर्फ इसलिए था, हर चीज में पॉलिटिक्स मत देखिए, एटलीस्ट फौज और उनके ऑपरेशंस से रिलेटेड जब आप पॉलिटिक्स देखते हैं तो ये मेरे लिए पर्सनल इंसल्ट है। गाली दे दीजिए, मैं ले लूंगा, मुझे ये मत बोलिए कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, क्योंकि जब फौज काम कर रही होती है, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, वो काम अपना कर रही होती है जो उसको दिया गया है, उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है वो आप लोग जानते हैं, उसमें हमें मत घसीटिए, हमारा नाम मत लीजिए, हमारे को इंसल्ट मत कीजिए, रिस्पेक्ट मत दीजिए, ये मुझे मंजूर है, लेकिन ये इंसल्ट हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। सर, जिनकी बहादुरी की, एक एक प्रेम जी का आ जाए फिर आप कहिएगा, जिनकी बहादुरी की तारीफ करनी चाहिए ऐसा कहकर तो उन पर सवाल उठाया जा रहा है ना, प्रेम जी, जो अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था। देखिए, शैलेंद्र जी जो बोल रहे हैं उसको, उस सवाल को एड्रेस करने की जरूरत है। हमारी सेना हमारे देश के लिए होती है, और हमेशा से ये बहस का विषय रहा है कि सेना का इस्तेमाल अपनी ही जनता के खिलाफ ना हो, हमेशा से ये रहा है। और
अर्धसैनिक बल उसका अलग, उसकी अलग भूमिका होती है। अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, आज तक सेना का इस्तेमाल नक्सलियों के खिलाफ भी करने से इसलिए बचा गया है क्योंकि नक्सली किसी दूसरे देश से आए हुए नहीं होते हैं। नहीं तो यहाँ भी बमबारी कर दी जाती है, विमान से बम गिरा दिए जाते हैं। बहुत पुरानी बहस है, पी चिदम्बरम जी का मानना था कि नक्सली इलाकों में बम गिराया जाए, लेकिन उस समय संसद में विरोध हुआ था, मुझे तारीख अभी याद नहीं है, लेकिन उससे उनको बैक होना पड़ा था। तो ये एक सोच रही है, लेकिन ये घटनाएं हैं, मैं जो कह रहा आरोप नहीं, घटनाएं हैं कि वहां ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आदिवासियों पर ज्यादतियां होती हैं। अब एक और बात, जैसे सलवा जुडूम लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। क्यों? क्योंकि क्यों कराया? देखिए, जनता को जनता के खिलाफ आप लड़ा रहे हैं हथियार देकर के, इस समूह को उस समूह से, सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया, उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। तो ये पॉलिसी जो है ना, पब्लिक को हम बोलेंगे, उनको बोलने दिया जाएगा। प्लीज बोलिएगा शाजिया जी, प्लीज बोलिएगा। आप बीजेपी का मैंने नाम लिया, सलवा जुडूम का नाम लिया, आप जरूर बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी ने मदद क्यों की उनसे, आप बताइए ना। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी इनकी मदद क्यों ले, ठीक है, एक बार कंप्लीट हो जाए। जो एम्बिश वाइज जिसमें कांग्रेस वर्कर थे उसमें सर्वत के प्रमुख महेंद्र जी शामिल थे, जरूर की सलवा जुडूम पूछ लो आपके वॉइस ब्रेक हो रही थी, शाजिया जी मैं वापस लौटती हूँ क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं एक बार इसको ठीक कराती हूँ, आपका सवाल समझ नहीं आ रहा है, मैं दोबारा लौटती हूँ, तब तक प्रेम जी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर संजय जी का रुख करूंगा। मैंने कहा कि सलवा जुडूम को कोई अच्छे नजर से नहीं देखा जाता है, उस दौरान कोई नक्सलवाद खत्म नहीं हो गया, जनता जनता के खिलाफ खड़ी हुई। तो ये एक समस्या है नक्सलवाद, लेकिन नक्सलवाद की समस्या का जन्म आर्थिक शोषण के बीज से हुआ है, यह भी सच है। इसका एक सामाजिक दर्शन भी है, राजनीतिक दर्शन भी है, आर्थिक दर्शन भी है। इसलिए आप लाल डेंगा जैसे जो पूर्वोत्तर में देश विरोध में खड़े होते थे, उनको हम लोगों ने समझौता करके मुख्यमंत्री बनाया, मुख्य धारा में लाने का काम किया, इसी सोच के साथ हमेशा चला गया है कि जो नक्सली रास्ते पर गुमराह होते हैं उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। हमारी राजनीतिक सफलता भी वही होगी और आखिरी सफलता भी वही होगी कि यह नक्सलवाद खत्म होगा, गोलियां चला करके, बम बरसा करके नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। 30 सेकंड, लेकिन मेरे को संजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी का सम्मान करता हूं, देखिए कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप जितना अच्छा कहते हैं, अगर आपके, अगर कांग्रेस पार्टी जो है पुलवामा हमले पर अगर सवाल उठाती है, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगती है, तो ये किन लोगों ने मांगा था आप बताइए ना। जो आप कह रहे हैं आपका तो सम्मान है, लेकिन आपका जो शीर्ष नेतृत्व है उनका चाल चरित्र जो चेहरा है वो तो देश की सेना के खिलाफ ही दिखाई देता है। आप हमेशा से कांग्रेस है, तो मैं तो कह रहा हूं आपका, तो मैं कह रहा हूं ना, आप जो कह रहे हो तो सही है, लेकिन कांग्रेस क्या इसका पालन करती है? इस पर भी आपको बोलना चाहिए ना प्रेम कुमार जी, कि क्या कांग्रेस के लोग जब सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनके शौर्य पे सवाल उठाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं? 30 सेकंड से ज्यादा हो गया, 30 सेकंड ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए। क्विक, देखो हमें जोश में आके कोई भी निर्णय लेना, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, देश के गृह मंत्री क्या बोलते हैं, देश के गृह मंत्री की क्या जिम्मेदारी है, हम उस पर जाना नहीं चाहते, उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं काउंटर कर रहा हूँ आपको किसी बात का। मैं तो इतना कहता हूँ, मैंने सेना के सम्मान की बात की है, और जहाँ तक सेना का सम्मान, जितना हमें पता है हमने ज़्यादा सेवा की है भारतीय जनता। एक चीज़ बता दूँ आपको, हम आपसे मेरा प्रश्न है, हमने कितने वर्ष देश की सेवा, अगर आप उन्हीं से प्रश्न करेंगे तो फिर सवाल का जवाब मेरे को भी संजय जी का रुख करना है। 70 वर्षों हमने सेवा की, और आप की सेवा की, हमने सेवा की है देश की, सेना की सेवा की नहीं, सेवा की नहीं है सेना। आप बताएं, सेना का सम्मान करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके अब तक स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, क्या काम नहीं किया हमने? बिल्कुल काम किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह काम, बिल्कुल काम किया है। देश ऐसे चलता रहा क्या? देश ऐसे चलता रहा? बिल्कुल किया है, देश ऐसे चलता।